रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम जितने मेरे ओवरसीज भाई यहाँ सऊदीया में खासकर बैठे हुए हैं जी, आपको मैं एक चीज़ वाजह कर दूं कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये बात क्यों बोली कि खासकर यहाँ सऊदी में बैठे हुए हैं। देखें, अगर अक्सर कुछ केसेस में ऐसे होता है, कुछ केसेस में कि अक्सर नहीं, कुछ केसेस में कि बंदा सऊदी अरबिया से अल्लाह ना करे जी किसी भी मसले को लेकर डिपोर्ट हो जाता है या कोई मसला बन जाता है, तो वो पूरी गुल्फ कंट्रीज़ यानी कि सऊदीया, मस्कत ओमान, कतर, कुवैत, दुबई, शारजा वगैरह सारी गुल्फ कंट्रीज़ में बैन हो जाता है। तो ये कुछ केसेस में ऐसा होता है, ज़्यादा केसेस में नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला है कि खासकर मेरे वो भाई जो सऊदीया में बैठे हुए हैं उनके लिए ये न्यूज़ होती है। मैं आपको वीकली इससे अपडेट कर देता हूँ। मैं इसमें तमाम मेरे परदेसी भाई जिनके इकाम एक्सपायर, हरूब, अल्लाह ना करे जी मतलूब, या इकामा बना ही नहीं, कफील ने पहला इकामा ही नहीं बनाया, पासपोर्ट के ऊपर 90 दिन एक्सपायर हो गए। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे यकीन माने, पासपोर्ट के ऊपर बस वो इकामा बना ही नहीं, पहला ही वो तो दो 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 साल हो गए लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर कोई कंपनी वगैरह आपको सैलरी नहीं दे रही है या आपको आपकी इकामा नहीं लगा रही है, आप कंपनी वगैरह से भाग जाते हैं, आप बाहर भाई बोलते हैं मैं काम करूंगा, आप बाहर भाग जाएंगे, काम तो करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप छुट्टे के हाथ लग जाएंगे तो फिर आपको वो बदून कफील के जुमरे में रख के डीपोर्ट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कंपनी या आपका जो भी मुसस्सा वगैरह है वो सैलरी या आपके इकामे तजदीद नहीं कर रहा है, तो उस सूरत में आप भागने की बजाय मेरा ये मशवरा है कि मकतबे अमल का रुख करें। बाहर आपको मकतब अमल के बाहर कोई ना कोई एजेंट जरूर मिलेगा, बाहर मकतब बनाकर बैठे होते हैं वहां पर देखने को पाकिस्तानी, उससे बात करें, वो आपकी एक फाइल बना देगा, 50-100 रियाल मुकम्मल खर्चा आएगा आपका, आपका अंदर भाई काजी के हजूर आपका जो केस है वो पेश हो जाएगा। और उसमें होगा क्या कि ये कंपनी या फलां मुसस्सा या फलां कफील, मेरी इतनी सैलरी है, इतना मेरा इकामा का बाकी है, ना इकामा लगा रहा है ना सैलरी दे रहा है, मुझे मेरी सैलरी चाहिए, इकामा चाहिए, मुझे नकल कफाला चाहिए या खरूज चाहिए, इससे वो केस चलता है, 2-3 तारीख लगती है और फाइनल हो जाता है। अगर ज़्यादा भी चले तो 6 में 1 साल चल जाएगा, कोई मसला नहीं, आप बाहर उतनी देर काम करते रहें, नो टेंशन। वैसे एक मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो इसी इन्हीं मसलों की सूरत में घिरा हुआ था, केस वगैरह किया हुआ था, उसका मसला थोड़ा बड़ा था तो केस लंबा चल रहा था, 1-1.5 साल हो गया था, तो उसने ना अपनी फैमिली ही उम्र के ऊपर बुला ली थी, और यहीं पर वो फैमिली उम्र के ऊपर बुलाई 2-3 मंथ का आपको पता है उम्र का वीज़ा मिल जाता है, तो वो 2-3 मंथ फैमिली के साथ घूमा फिरा, कोई मसला नहीं, छुट्टा पकड़ेगा, केस चल रहा है उसका अदालत में, ठीक है खलास, तो वो बाद में फैमिली वापस चलेगी, वो फिर केस के ऊपर भी, हाँ भी केस फाइनल होगा तो मैं जाऊँगा। बंदे ऐसे ऐसे भी हैं। बहरहाल जी, अगर आपका इकामा या हरूब अल्लाह ना करे मतलूब इन मसलों से आप 2-4 हैं तो मैं आपको ये तफसील बता देता हूँ। मैं वैसे बेसिकली मैं मुख्तलिफ वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ अक्सर, किन भाइयों के इकामा एक्सपायर हैं या हरूब है या मतलूब या कोई और मसला है बदून कफील वगैरह वाला, तो वो चाहते हैं कि अगर हम नकल फला करवा लें या हम फाइनल एग्जिट चले जाएं, खरूज नहाई चले जाएं, ताकि न्यू वीज़ा से दोबारा वापस आ सकें, तो भाई यह व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे भाई अगर मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस मसले के ऊपर चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। न्यूज़ के खबर के मतलब चलते हैं जी, और आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर टोटल की बात करें 21,049 या 21,050 बंदे तकरीबन गिरफ्तार हुए हैं सऊदी अरबिया से। इनमें कौन कौन से शामिल हैं ये पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें सर्रे फरिस्त भाई मुखालफा निज़ामल इकामा जिनके इकामे एक्सपायर थे, उनकी तादाद देख लें जी, 13,209 बंदा वो गिरफ्तार हुआ है जिनके इकामे एक्सपायर थे। अभी आप खुद अंदाज़ा कर लें, 1-7 दिनों में 13,000 बंदा गिरफ्तार होता है इकामा एक्सपायर वाला, तो कितनी लाख दुनिया के इकामे एक्सपायर होंगे। अच्छा, बहरहाल आगे मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद 5,177 बंदे, 5,000+ में बंदा गिरफ्तार हुआ है जो कि आप बोल रहे हैं यमन के रास्ते निकलता हुआ या इंटर होते हुए गिरफ्तार हुआ है। आगे अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अल अमल, तो भाई इनकी तादाद है 2,663, तकरीबन 2,700 बंदा वो है जी जो बदून कफील, जैसे कि आपको मैंने बता दिया इसमें सायखा सामल मंजरी भी शामिल होते हैं जी, इसी में वो बदून कफील जो गिरफ्तार हो जाते हैं और उनका बदून कफील के जुमरे में रख के उनको डीपोर्ट किया जाता है, तकरीबन 2,700 बंदा है। अगर हम नीचे में आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं उसकी बात करें, तो उसमें तरहील है जी 12,943 बंदे, तकरीबन 13,000 ही बोल रहे हैं यार, 13,000 बंदा सऊदी अरबिया से पिछले 7 दिनों में डीपोर्ट किया गया है। इनमें कौन से हैं भाई, इनमें वही हैं इकाम एक्सपायर, बदून कफील, हरूब, मतलूब वाले को तो डीपोर्ट करते नहीं जब तक वो अपनी मामलत ने क्लियर कर ले, तो ये तादाद सूरत हाल है। अगर किसी भाई का अल्लाह ना करे जी हरूब या इकाम एक्सपायर है या बदून कफील है, तो वो चाहता है जी मैं फाइनल एग्जिट चला जाऊँ या यहाँ पर नकल कफाला करवा लूँ, तो वो फिर व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको पहले दिखा दिया, वो रब्ता कर ले, मैं उसका मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा।